बना रहे हैं क्या? आप बना रहे हैं? अरे वाह, क्या नाम है भैया आपका? रंजीत मंडल। कहाँ से हैं? हाय गाइज, आप सबका व्लॉग में स्वागत है। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है रामनवमी और भाई आज चल रहे हैं हम बाइक से। सुबह जाने वाले थे तो सुबह ही, तो अभी चल रहे हैं अयोध्या सीधे। मेरे बाइक ले ली, बैग में सारे कपड़े उपड़े ले चुके, बिना नहाए धोए चले, वहाँ चल के नहाएंगे, फिर वहाँ चल के थोड़ा सा। ये जो कैमरा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे 360 कैमरे से हो रही है, और 360 मोड है और 4K है, 24 FPS पे हो रहा है रिकॉर्डिंग। तो चलते हैं भाई। कंटिन्यू तीन घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या जस्ट यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। अयोध्या 20 किलोमीटर, थोड़ा नाश्ता करने रुके हैं। ये रहा खस्ता, खस्ता छोला खाने वाले हैं। भैया अयोध्या कितना किलोमीटर है यहाँ से? अयोध्या धाम कितना दूर है? अयोध्या धाम बहुत अच्छा। ये रहा भाई खस्ता छोला है, 30 रुपये का, बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट में अभी टेस्ट किया नहीं, बस देखने में तो एकदम लग रहा है यम्मी। राम मंदिर भैया पहले आप अयोध्या पहुँचे, आगे चौराहे से दाहिने हो जाएंगे। चाय जैसा ये चारों तरफ का रिकॉर्ड हो रहा है, चार हमारी तरफ, उधर उधर सब एक तरफ से दिखाना, कहाँ दिखा रहा है उसमें? इसमें नहीं, अभी इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए सब आ रहा है, चारों तरफ आ रहा है, ऊपर का नीचे का सब, सबका सबका ऐसे घूमता है। हाँ, तुम घुमाते हो ऐसे तो फिर अच्छा, कोई फायदा नहीं। मतलब आप ऐसे इसको चैनल किस नाम से तुम्हारा ऐसे पकड़े रहेंगे पूरा? सुमित 97 ब्लॉग। अरे भाई, 3-4 घंटे खोजने, दो जितना टाइम हम लोगों को वहाँ से घर जौनपुर से आने में लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम एक दीदी की फ्रेंड है मीना दीदी, उनका घर खोजने में लग गया। अभी है मिसाल है यार, वहीं धर्मशाला भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ, फ्री टाइम आना चाहिए। हम झूठी आ गए किस रामनवमी को, अब कुछ हो नहीं पाएगा, वीडियो वीडियो ज़्यादा। ये बाबा लोग तो बहुत पहले गवाही धर्मशाला ये हाँ ना बताबी भैया सर, राम की पौड़ी घाट है। एक तरफ से सब मंदिर ही है, देख रहे ये उधर से मंदिर स्टार्ट, सब वहाँ से लेके मंदिर ही मंदिर है भाई। आप वहाँ घर चला जाए एक बार। Thank you.
घंटे नहाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। अब हाँ बीड़ा, एक बड़ा सा बीड़ा वहाँ चल रहे हैं, वो दिखाएंगे भाई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, भाई पैरवा तो एकदम जल रहा है, बड़ा भाई। भगवान की मम्मी जहाँ पे हो जाए कोतवाली पे आ जाओ, ठीक है किरण देवी, जल्दी आओ, सुबह बोल रहे थी जहाँ किया अभी। जो नेपाल से पत्थर आया वो किधर है, जो नेपाल से आया पत्थर कितना दूर है? आधा किलो। अच्छा हाँ, बारिश कर रही है। रहा था भैया? हाँ खट्टा। हाँ दिखाते कहाँ था? हम मैं दिखाए ना, जब दिखाया जब एडिट कर तब दिखाया। जब सब देख लिया तो हटता है। भाई कंटिन्यू दो घंटे ट्रेवल करने के बाद पैदल अब पहुँच आए हम धाम में, जहाँ पे पत्थर रखा है ना। अरे सब नेपाल, सब नेपाल से है। ये यार पत्थर नेपाल से है, सारे पत्थर यहाँ के हैं। कौन सा, सिर्फ ये दोनों? ये बस ये एक्चुअल शेर है। जय श्री राम। Thank you.
अपन जाऊन अपन येऊया इथे परत अक्षय तृतीयेला ते लोक मूर्ती बनवायला घेणार कौन है मामा मारू अरे तो हिरण का बेस वही तो हिरण का ब्रेस होके आके तो सीता जी को हरण करने आए थे अच्छा हाँ उसके बाद फिर इनको मारा गया था हाँ ये आप ही सब बना रहे हैं क्या आप बना रहे हैं अरे वाह क्या नाम है ये आपका रंजीत मंडल कहाँ से हैं मैं आसाम से आसाम से ये सब किसका बना सीमेंट से कि वो पत्थर सीमेंट सरिया गिट्टी स्टील तार स्टील जाली केमिकल केमिकल से छूटेगा नहीं नहीं सर ना ये कहाँ छूटेगा 10 साल पहले वो वाला बनाया था 10 साल से वो वाला भाई ये रिजर्व किए हैं 700 मिली हैं गली गली घुमाएंगे पूरा जब तक मेरी शिक्षा न हो जाए हनुमानगढ़ी आ गए हैं अब भाई आज से हम 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग किए होंगे क्या देख रहे हैं अच्छा तुम्हें दिखाया हूँ कहाँ हो तो भाई लोग अभी ये लास्ट है क्योंकि राम मंदिर राम जन्मभूमि कोई सामने रहा जो नई वाली राम मंदिर बन रही है वो दिख रहा है ना सब क्रेन में वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है नया वाला और ठीक इसी के बीच में इसमें जहाँ उंगली दिख रहा इधर पे है राम जन्मभूमि बहुत अच्छा है भाई एकदम इधर से एक रास्ता जाता है इधर से रास्ता जाता है दर्शन के लिए और वैसे घूम के होते हुए आप चलाएंगे इधर फिर यहीं से निकल आएंगे ठीक है तो ये लास्ट क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं है ना आप कैमरा ले जा सकते ना फ़ोन ले जा सकते घड़ी ना कोई भी मतलब एक मेटल तो कोई नहीं ले जा सकते बस बेल्ट लेके जा सकते हैं आप तो थोड़ा चलते हैं भाई सुबह से इतना चल चुके हैं ना कि थक गए एकदम पैर में छाले पड़ गए हैं क्या नाम है सुमित 97 ब्लॉग सुमित 97 ब्लॉग भाई हम अयोध्या चल रहे थे घर पे और ये एक भैया की दुकान है बहुत अच्छा है यहाँ पे खस्ता चावल देते हैं ये दुकान है शिवम स्वीट ये जस्ट हाईवे पड़ता है जब आप सुल्तानपुर से उधर जाने लगेंगे अयोध्या की तरफ तो इनका दुकान पड़ता है अभी अपने दुकान के बारे में बता दीजिए भैया कुछ बहुत अच्छा था आपके यहाँ का वो खस्ता क्या था खस्ता छोला हाँ वो भी अच्छा था मीठा भी इनका देखिए बहुत अच्छा सब मीठे रखें बता दीजिए यहाँ का एड्रेस पूरा खजुराहट चौराहा अयोध्या रोड बीकापुर फैजाबाद दुकान का नाम क्या सीएम स्वीट एंड रेस्टोरेंट ठीक है भैया तो भाई आप लोग कभी आइएगा इधर तो ट्राई करिएगा छोला खस्ता इनका बहुत अच्छा नंबर 1 का है